सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई ईशान गोयल और आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू ग्रो बियर्ड। सो गाइज, बियर्ड ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आप बियर्ड ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज मैंने अभी वो रिसेंटली ट्रिक सीखी एंड मुझ पर वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रही है। तो चलिए फिर वो ट्रिक स्टार्ट करते हैं। सो उस ट्रिक के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो कोई भी एक बियर्ड ऑयल आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप कोई भी विटामिन सी का सीरम भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत इफेक्टिव होगा। एक आप ये क्या है, ये है हमारा डर्मा रोलर। तो इसको मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूँ आपको, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा, और मैं यूज़ करके भी दिखा दूंगा जिससे कि आपको बहुत बेटर रहेगा। ओके, तो ये है हमारा डर्मा रोलर। आप देख सकते हैं कि इसके यहाँ पर टॉप पर टाइटेनियम के कुछ ब्लेड्स लगे हुए हैं, बहुत सॉफ्ट से, जो जब आपकी स्किन पे आप इसको रोल करेंगे तो वो आपकी बियर्ड की ग्रोथ को एनहांस करेगा। जो आपके पोर्स बंद हो गए हैं उनको ओपन करेगा। तो चलिए फिर देखते हैं हम इसको किस तरह से यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने बियर्ड ऑयल को थोड़ा सा अपने पाम में डाल लेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। इसको सबसे पहले तो आप अपने बियर्ड पे लगा लीजिए अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं मेरी यहाँ की ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है, और मैं इसको फ्रीक्वेंटली ट्रिम भी करता रहता हूँ, शेपिंग भी करता रहता हूँ, जिससे कि मुझे बहुत बेटर रिजल्ट्स मिले हैं। ओके, तो मैंने इसको अपने फेस पे लगा लिया है बियर्ड ऑयल को। बियर्ड ऑयल का काम दरअसल ये है कि एक फ्रिक्शन मिल जाएगा आपकी स्किन को, एक थोड़ा सा सॉफ्टनेस मिल जाएगी, थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। जब ये डर्मा रोलर चलेगा आपकी स्किन पे तो थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा इसको भी चलने में। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली कुछ इस तरीके से करना है इसको। जहां जहां भी आपको लगता है कि आपकी पैची बियर्ड है या फिर आपको बियर्ड ग्रोथ चाहिए, तो आप उसको हर जगह पर इस तरह से रोल कर लीजिए। इसमें आपको बहुत हल्का हल्का सा पेन होगा, मतलब इतना भी ज्यादा नहीं कि आप सह नहीं पाओ, मतलब बहुत हल्का हल्का माइन्यूट पेन होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको तकरीबन, मैं बताऊं, 10 मिनट्स तो करना ही है। सॉफ्ट सॉफ्ट अगर आप कर रहे हो तो 10 से 15 मिनट्स कर लो, लेकिन अगर आप थोड़ा हार्ड करते हो, बहुत ही, मतलब ज्यादा हार्ड भी मत करना वरना ब्लीडिंग होने लग जाएगी, तो सॉफ्ट सॉफ्ट करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपको। और याद रखें कि आपको इसको वीक में एटलीस्ट ट्वाइस तो करना ही है, तो आपके रिजल्ट्स अच्छा मिलेगा आपको। जहां तक बात है बियर्ड ऑयल की, वो आप लगा सकते हैं, डेली लगा सकते हैं, आप आफ्टर शावर यूज कर सकते हैं, रात को सोते वक्त लगाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो मैंने ये यूज किया है और मुझे मेरी बियर्ड की ग्रोथ बहुत अच्छी लग रही है, बिकॉज ये सिर्फ एक हफ्ते की है, एक हफ्ते में, क्योंकि बिकॉज मैंने एक हफ्ते पहले शेव किया था। मैं आपके साथ फोटो शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो मैंने एक हफ्ते पहले शेव किया था और मेरे जो दोस्त वगैरह हैं वो बोल रहे थे कि भाई तू यार बियर्ड की नहीं डालता फोटोज वगैरह, तू वीडियोस डाल, तू यूट्यूब पे शेयर कर, लोगों को बता के कैसे बियर्ड ग्रो करते हैं, बिकॉज मेरी पहले बहुत अच्छी बियर्ड थी, बट फिर मैं उसको फ्रीक्वेंटली ट्रिम करते रहता हूँ बिकॉज आई लाइक टू शेव मोर। तो इसलिए बस ऐसा है कि फिर मैंने डर्मा रोलर ऑर्डर किया, मैंने कहा चल यार थोड़ी सी बियर्ड ग्रो करते हैं फास्ट। तो अगर आपको अपनी बियर्ड फास्ट ग्रो करनी है, थोड़ी सी थिक ग्रो करनी है, तो ये बहुत अच्छा टूल है आपके लिए। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना, आपका जो डर्मा रोलर है सिर्फ आपके लिए ही हो, वो और कोई यूज ना करे, बिकॉज वो ये यार सेंसिटिव स्किन होती है, अगर किसी और का भी यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली उसमें कुछ बैक्टीरिया रह जाते हैं, तो जैसे कि आपकी स्किन पे वो एक्ने कॉज कर सकते हैं। तो आप अपना एक डर्मा रोलर लेना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको बाय करना है तो अमेजोन पे जाओ, वहां पे सिर्फ इतना डाल देना डर्मा रोलर, वो अपने आप आ जाएगा। बाकी अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना भाई, बिकॉज बड़ी मेहनत लगती है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, जब तक मैं इसको रोल करता रहता हूँ, आप जाओ एंजॉय करो, अपना डर्मा रोलर खरीदो और बियर्ड उगाओ, चलो। ओके, बाय।